हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस वीडियो क्लास में। फ्रेंड्स, इस वीडियो क्लास में हम डिस्कस करेंगे एसएससी सीजीएल 2017 टीयर वन का एक पेपर, और ये सेट 21 है। ये पेपर हुआ था 9 अगस्त 2017 को आफ्टरनून शिफ्ट में। तो ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं और ये सभी एसएससी एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगे। और जैसा कि आप जानते हैं कि एसएससी सीपीओ का एग्ज़ाम डेट आ चुका है, स्टेनो का एग्ज़ाम भी होने वाला है और उसके बाद सीजीएल के एग्ज़ाम्स भी होंगे। तो ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की मैं एक सीरीज स्टार्ट कर रहा हूँ और इसमें मैं सभी एग्ज़ाम्स के सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस, सीपीओ, इनके सभी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मैं अपलोड करूँगा इस चैनल पर पूरे सॉल्यूशंस के साथ। ठीक है, तो इस पूरे वीडियो क्लास को आप ध्यान से देखिए। और यहाँ पर मैं एक इन्फॉर्मेशन आपको और देना चाहूँगा, हमारी ऑफिशियल वेबसाइट शुरू हो गई है www.examinee.in, और इस पर जाके आप ब्लॉग सेक्शन में मेरे इंग्लिश से रिलेटेड सारे आर्टिकल्स आप पढ़ सकते हैं। और ये आर्टिकल्स एसएससी के सभी एग्ज़ाम्स के लिए, बैंकिंग के सभी एग्ज़ाम्स के लिए, एनडीए, सीडीएस, मैट के सभी एग्ज़ाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगे। यहाँ पर आपको स्पॉटिंग एरर, पैरा जंबल, क्लोज टेस्ट सारे कॉन्सेप्ट्स मैं एक्सप्लेन करता हूँ हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज में। अभी केवल इंग्लिश लैंग्वेज में आर्टिकल्स अवेलेबल हैं, लेकिन हिंदी में भी जल्दी ही आर्टिकल्स यहाँ पर आ जाएंगे और इनसे बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा होगा। आपको examinee.in वेबसाइट पर जाना है, ब्लॉग सेक्शन में जाना है, और ब्लॉग आप खोलेंगे तो वहाँ पर सारे आर्टिकल्स आपको टॉपिक वाइज आपको दिख जाएंगे। तो वहां से इनको आप जरूर पढ़ें और इनसे आप फायदा उठाएं। देखिए, ये क्वेश्चंस पूछे गए हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ये, और इसमें सबसे पहले एक स्पॉटिंग एरर का क्वेश्चन है। द सीईओ ओनली डिस्कस्ड द न्यू वेंचर विद हिज मैनेजर। यदि आप इसको देखें तो ये सेंटेंस देखने में एट फर्स्ट साइट आपको सही लगेगा। ठीक है, तो इसमें एक्चुअली एरर किस चीज की है? द सीईओ ओनली डिस्कस्ड द न्यू वेंचर विद हिज मैनेजर, इसमें हम क्या बोलना चाह रहे हैं? इसमें हम ये बोलना चाह रहे हैं कि सीईओ जो था, जो कंपनी का जो हेड था, उसने न्यू वेंचर, कोई भी नया प्रोग्राम, कोई भी नई स्कीम, कोई भी नई चीज़ अगर शुरू की है तो वो मैनेजर के साथ डिस्कस उसने की। तो उसने मैनेजर के साथ किस चीज़ को डिस्कस किया? उसने मैनेजर के साथ इस वेंचर को डिस्कस किया, जो नया प्लान ये बना रहे थे सीईओ, उसने अपने मैनेजर के साथ इस चीज़ को डिस्कस किया। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ओनली कहाँ पर लगा हुआ है? ओनली लगा हुआ है डिस्कस से पहले। तो इसका मतलब क्या होगा? ओनली एक्चुअली एक एडवर्ब है और इसका मतलब होता है कि जिस वर्ड से पहले आप इसको लगाएंगे उस वर्ड को ये मॉडिफाई करेगा। तो ओनली डिस्कस का मतलब हुआ कि उसने केवल डिस्कस किया और कुछ नहीं किया, जबकि यहाँ पर हम बोल रहे हैं कि सीईओ डिस्कस्ड ओनली द न्यू वेंचर। उसने न्यू वेंचर को डिस्कस किया, उसने न्यू वेंचर को डिस्कस किया। ठीक है, तो ओनली को हम कहां पर लगाएंगे? ओनली को हम लगाएंगे यहां पर, द सीईओ डिस्कस्ड ओनली द न्यू वेंचर। ठीक है, तो इसमें ओनली डिस्कस्ड के स्थान पर होगा डिस्कस्ड ओनली। अब देखिए, ये जो एरर है ये काफी टिपिकल एसएससी एरर है, ये ग्रामर की एरर नहीं है, ये एक प्लेसमेंट की एरर है। और ओनली का प्लेसमेंट उस वर्ड से पहले होता है जिस वर्ड को वो मॉडिफाई करता है। तो न्यू वेंचर से पहले हम ओनली को लगाएंगे, ये काफी अच्छा क्वेश्चन है। तो ए इसमें आपका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर टू देखते हैं। इफ शी वॉज मैरिंग मिस्टर गुप्ता, शी वुड हैव बीन रिकग्नाइज एज मिसेस गुप्ता। इसमें किस तरह का क्वेश्चन है? ये कंडीशनल सेंटेंस है। ठीक है, शर्त से रिलेटेड सेंटेंस है और ये अनफुलफिल्ड कंडीशन जो है उससे रिलेटेड ये सेंटेंस है। तो इस तरह के सेंटेंसेस में दो पार्ट होते हैं, एक होता है कंडीशनल पार्ट जिसको हम इफ से बताते हैं, और एक होता है रिजल्ट पार्ट जिसको हम वुड हैव से बताते हैं। ठीक है, तो ये है आपका, ये है आपका कंडीशनल पार्ट, और ये है आपका रिजल्ट पार्ट। तो कंडीशनल पार्ट में हम क्या लगाते हैं? कंडीशनल पार्ट में हम हैड लगाते हैं एक्टिव वॉइस में, हैड के साथ थर्ड फॉर्म, और रिजल्ट पार्ट में हम वुड हैव के साथ थर्ड फॉर्म लगाते हैं। ठीक है, तो इसमें वुड हैव तो लगा हुआ है रिजल्ट पार्ट में, लेकिन कंडीशनल पार्ट में यहाँ पर इसमें हैड मिसिंग है। तो यहाँ पर हम बोलेंगे इफ़ शी हैड मैरिड मिस्टर गुप्ता, शी वुड हैव बीन, एक्चुअली वुड हैव के साथ थर्ड फॉर्म हम एक्टिव वॉइस में लगाते हैं, और वुड हैव बीन के साथ हम थर्ड फॉर्म लगाते हैं पैसिव वॉइस में। शी वुड हैव बीन रिकग्नाइज मतलब उसको जाना जाता, यदि उसने मिस्टर गुप्ता से शादी की होती तो उसको इस तरीके से पहचाना गया होता किसी दूसरे व्यक्ति के द्वारा। ठीक है, मिसेस गुप्ता की तरह उसको पहचाना गया होता। तो वुड हैव बीन तो ओके है, इसमें वुड हैव बीन के साथ थर्ड फॉर्म हमने लगा दिया है, लेकिन जो कंडीशनल पार्ट है जो कि इफ से शुरू होता है, इसमें हमने हैड का प्रयोग इसमें नहीं किया है। तो ए इसमें आपका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखते हैं। अंकिता इज डिस्गस्टेड द हैबिट ऑफ हर ब्रदर।
प्रपोजिशन के क्वेश्चन काफ़ी पूछे जाते हैं एसएससी एग्जाम में कि डिस्गस्टेड के बाद क्या आएगा, अग्री के बाद क्या आएगा, एंग्री के बाद क्या आएगा। तो यहां पर अंकिता इज डिस्गस्टेड एट द हैबिट ऑफ हर ब्रदर, इसमें एट इसमें सही होगा क्योंकि विद हम लगाते हैं नॉर्मली विद माई सेल्फ, विद योर सेल्फ, विद हर सेल्फ, इस सेंस में जब हम बोलते हैं डिस्गस्टेड को तो उस सेंस में हम विद लगाते हैं, यानी पर्सन के लिए हम विद लगाते हैं, किसी सिचुएशन के लिए या किसी ऑब्जेक्ट के लिए हम एट लगाते हैं। तो एट यहां पर आपका कहना सही होगा, हालांकि ये काफी क्लोज है, विद और एट में इतना ज्यादा डिफरेंस नहीं है, लेकिन ग्रामेटिकली स्पीकिंग यहां पर एट सही आंसर आपका होगा, एट ज्यादा यहां पर प्रॉपर आपका होगा। ठीक है, आगे बढ़ने से पहले मैं इन न्यू टारगेट बैचेस के बारे में आपको बताना चाहूंगा। तीन बैचेस मैंने स्टार्ट किए हैं, एक है एसएससी के सभी एग्जाम्स के लिए इंग्लिश का टारगेट बैच, और इसमें टीयर वन, टीयर टू और टीयर थ्री के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होते हैं, पूरा कोर्स होता है, सारे पीडीएफ्स और वीडियो क्लासेस इसमें रहते हैं आपको। इसकी वैलिडिटी एक साल की रहती है और इसका प्राइस है 2950। यदि आप इसको ज्वाइन करें तो ये काफ़ी अच्छा रहेगा, इसको ज्वाइन करना नहीं चाहते हैं तो 6 मंथ का एक कोर्स है, उसका प्राइस है 1699 रुपये, इसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। और एसएससी सीजीएल के 2017 के मैंने 43 सेट का पूरा सॉल्यूशन बनाया है, इन सॉल्यूशंस को आप ले सकते हैं एक साल के लिए। इसमें 43 सेट के साथ आपको टीयर टू के 2 सेट और टीयर थ्री के 2 सेट भी मिलेंगे, टोटल 47 सेट्स आपको मिलेंगे। इन सभी वीडियो कोर्सेज को आप इस वेबसाइट पर देखेंगे www.examinee.in, इसका लॉगिन आईडी और पासवर्ड मैं आपको भेजूंगा। इन सभी कोर्सेज को इस साइट से भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, और मैं नीचे इंस्टा मोजो की लिंक्स दूंगा, वहां से भी इनको आप ज्वाइन कर सकते हैं। और ये मेरे कॉल एंड व्हाट्सएप के नंबर है, कॉल अगर करना है तो आप इस नंबर पर करिए, और व्हाट्सएप करना है तो आप इस नंबर पर करिए। इसमें पूरा कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से आपका इंग्लिश सेक्शन कवर होगा, और इससे बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा क्योंकि इसमें सारे क्वेश्चंस, प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चंस भी मैं इसमें कवर करता हूं। अब इसको देखते हैं, ड्यू टू द सिक्योरिटी रीजंस वी वर फ्रॉम एंटरिंग इनटू द कॉकपिट ऑफ द प्लेन, सिक्योरिटी रीजंस की वजह से हमको प्लेन के कॉकपिट में घुसने से मना कर दिया गया। ठीक है, तो इसमें डिनाइड दिया है, रिजेक्टेड दिया है, स्टॉप दिया है, वॉर्न दिया है। रिजेक्टेड तो बिल्कुल नहीं आएगा इसमें, क्योंकि रिजेक्ट हम किसी चीज को करते हैं, ठीक है, किसी व्यक्ति को नहीं करते, उसको हम डिक्लाइन करते हैं। और वॉर्न का मतलब चेतावनी देना, तो ये एकदम सेंसलेस है यहां पर। इसमें डिनाइड आ सकता है और स्टॉप आ सकता है। ठीक है, अब आपको देखना क्या है, आपको ये देखना है कि फ्रॉम के साथ कौन सा वर्ड जुड़ेगा। फ्रॉम के साथ केवल स्टॉप वर्ड जुड़ता है, ठीक है, जैसे प्रिवेंट है वो फ्रॉम के साथ जुड़ता है, प्रोहिबिट है वो फ्रॉम के साथ जुड़ता है, और स्टॉप जो है वो फ्रॉम के साथ जुड़ता है, डिनाई जो है वो फ्रॉम के साथ नहीं जुड़ता। तो यहां पर सही आंसर होगा आपका सी, यानी स्टॉप्ड, सी यहां पर आपका सही आंसर होगा। डिनाइड फ्रॉम नहीं आता होता, ठीक है, प्रिवेंट फ्रॉम होता है, प्रोहिबिट फ्रॉम होता है, और स्टॉप फ्रॉम होता है। तो इस तरीके से सी यहां पर आपका सही आंसर होगा। ये यहां पर सिनोनिम के क्वेश्चन है, और सेम इसी तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे एसएससी एग्जाम में, यही सेम पैटर्न होगा प्री में, ठीक है, और मोर एंड लेस यही सेम पैटर्न होता है आपका टीयर टू में। एग्जॉर्बिटेंट, इस वर्ड को मैं काफ़ी एक्सप्लेन कर चुका हूँ यूट्यूब पर भी और अपने वीडियो कोर्सेस में भी। एग्जॉर्बिटेंट का मतलब होता है काफ़ी ज़्यादा, ये प्राइस के रेफरेंस में यूज़ होता है, काफ़ी ज़्यादा प्राइस, एग्जॉर्बिटेंट प्राइसेस, ठीक है, हाई प्राइसेस भी इसको हम बोल सकते हैं, इसलिए इसका सिनोनिम जो होगा यहाँ पर हाई होगा। रेयर मतलब जो बहुत कम है, डल मतलब जो एक्साइटेड नहीं है, क्लियर, इसका सही सिनोनिम होगा हाई, ठीक है। जेपार्डी, जेपार्डी का मतलब होता है खतरा या रिस्क या पेरिल, इसको पेरिल भी हम बोलते हैं, ठीक है। जेपार्डी एक्चुअली यहां पर एक नाउन है, और यदि इसका वर्ब फॉर्म आप देखें तो हो जाएगा जेपार्डाइज। तो रिस्क या पेरिल इसका सिनोनिम होगा। इंजर मतलब घायल हो जाना, एंग्री मतलब नाराज, सीरीन मतलब एकदम शांत, ठीक है। एंटोनिम के क्वेश्चन है ये, चर्लिस का क्या अर्थ है, चर्लिस का अर्थ होता है जो इंडिसेंट है, जो वेल मैनर्ड नहीं है, जो गमार है, उसको हम बोलते हैं चर्लिस। लेकिन यहां पर आपको क्या चाहिए, चर्लिस का अनकूथ क्या होगा, अनकूथ सिनोनिम होगा इसका, अनकूथ का मतलब भी इंडिसेंट या इल मैनर्ड होता है। तो यहां पर सही इसका एंटोनिम होगा कर्टियस, ठीक है, सिनोनिम होगा अनकूथ, लेकिन एंटोनिम होगा इसका कर्टियस। बी लिटिल मतलब किसी को नीचा दिखाना, फर्वेंट मतलब जिसके अंदर काफी इमोशंस हैं, जो एकदम उत्साही है, उसको हम बोलते हैं फर्वेंट।
फ्लैगमैटिक, ये सारे वर्ड्स आपको मेरी ई बुक्स में मिल जाएंगे, मेरी जो वोकेबलरी की ई बुक्स हैं, ये सारे वर्ड मैंने वहाँ पर बहुत तरीके से एक्सप्लेन किए गए हैं, किए हुए हैं, तो मेरी ई बुक्स भी आप ले सकते हैं। फ्लैगमैटिक का मतलब होता है इनडिफरेंट, ठीक है, लेकिन यहाँ पर आपको एक्चुअली एंटोनिम चाहिए। फ्लैगमैटिक मतलब जिसमें इमोशंस नहीं है, जो जो इनडिफरेंट है, तो इसलिए सही इसका एंटोनिम होगा आर्डेंट। आर्डेंट का मतलब होता है एक्साइटेड, उत्साही, और फ्लैगमेंट का मतलब होता है डल या इनडिफरेंट, तो आर्डेंट इसका सही होगा। इनडिफरेंट, इनडिफरेंट इसका सिनोनिम होगा प्रोहिबिट का मतलब होता है रोकना, मर्सी लेस, मर्सी लेस मतलब जिसके अंदर मर्सी नहीं है, जिसके अंदर दया नहीं है, उसको हम बोलेंगे मर्सी लेस। तो इसका आंसर होगा ए। डैम्प स्क्विब क्या होता है? डैम्प स्क्विब से क्या मतलब है? डैम्प स्क्विब एक्चुअली, डैम्प होता है गीला, स्क्विब होता है कपड़ा, तो यदि कहीं पर थोड़ा सा कहीं पर आग चल रही है और उसके ऊपर आप गीला कपड़ा डाल देते हैं तो क्या उसका रिजल्ट निकलेगा? वो पूरी तरीके से फेल हो जाएगी, जो आग जल रही थी वो बंद हो जाएगी, फेल हो जाएगी। तो डैम्प स्क्विब का मतलब होता है कंप्लीट फेलियर ऑफ समथिंग, कंप्लीट फेलियर ऑफ समथिंग। स्क्वेंडर का मतलब वेस्ट करना होता है, किसी चीज़ को वेस्ट करना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। रिस्क राइज लाइक ए फिनिक्स। फिनिक्स एक्चुअली एक चिड़िया होती है, एक बर्ड होती है, और इसके बारे में एक माइथोलॉजिकल स्टोरी है कि इसको यदि मार दिया जाए तो अपनी उसकी जो राख होती है, इसकी जो एशेज होती है, उसमें से ये फिर से निकल जाती है या पैदा हो जाती है। तो राइज लाइक ए फिनिक्स का मतलब होगा टू बिकम सक्सेसफुल अगेन, टू बिकम, सॉरी सी इसका आंसर होगा, टू बिकम सक्सेसफुल अगेन। ये सेंटेंस इंप्रूवमेंट के क्वेश्चन हैं। द मोबाइल फोन हैव मेड डिजिटल कैमरास अ लिटिल सुपरफ्लुअस इन टुडेज वर्ल्ड। देखिए, सेंटेंस इंप्रूवमेंट के क्वेश्चन में क्या करना होता है, आपको ब्रैकेट में या अंडरलाइन करके एक वर्ड दिया होगा, या कुछ वर्ड्स दिए होंगे, या सेंटेंस का कुछ फ्रेज दिया होगा, और उसको आपको करेक्ट करना है। स्पॉटिंग एरर में आपको ग्रामेटिकल मिस्टेक देखनी होती है, सेंटेंस इंप्रूवमेंट में आपको सूटेबल वर्ड या सूटेबल फ्रेज देखना होता है, जो सबसे ज़्यादा सूटेबल है वो आपका आंसर होगा, ठीक है। अब इसमें क्या कह रहे हैं, इसमें हम ये कह रहे हैं कि मोबाइल फ़ोन ने डिजिटल कैमरा को सुपरफ्लुअस कर दिया है। सुपरफ्लुअस एक्चुअली फिजिकल सेंस में हम यूज़ करते हैं। सुपरफ्लुअस का मतलब है कि एक ऐसे है और उस ऐसे में आपको 10 लाइन लिखना है, ठीक है, और आपने लिख दी उसमें 20 लाइन या 25 लाइन, मतलब कुछ आपने उसमें एक्स्ट्रा या नीडलेस जोड़ दिया। तो सुपरफ्लुअस का मतलब होता है जो नीडलेस है, जो एक्स्ट्रा है, जिसकी ज़रूरत नहीं है, तो सुपरफ्लुअस वर्ड यहाँ पर नहीं आएगा। एक्सटिंक्ट हम एनिमल के रेफरेंस में यूज़ करते हैं कि कोई एनिमल एक्सटिंक्ट हो जाता है। रिडंडेंट भी यहाँ पर काफ़ी क्लोज है, लेकिन रिडंडेंट को भी हम फिजिकल सेंस में ही यूज़ करते हैं। जब हम कोई चीज़ लिखते हैं, कोई ऐसे वगैरह लिखते हैं, तो कोई वर्ड यदि एक्स्ट्रा है या नीडलेस है तो उसको हम बोलते हैं रिडंडेंट, ठीक है। इसका नाउन फॉर्म होता है रिडंडेंसी। लेकिन ऑब्सोलीट सही है यहाँ पर, इस सेंस में, जैसे हमने यहाँ पर कि मोबाइल फोन की वजह से डिजिटल कैमरा जो है वो ऑब्सोलीट हो गए हैं। ऑब्सोलीट का क्या मतलब है? ऑब्सोलीट का मतलब है आउटडेटेड, आउटडेटेड हो गए हैं वो, तो ऑब्सोलीट यहाँ पर आपका सही आंसर होगा, ठीक है। इफ यू विल अप्रोच हर सिंसियरली शी विल लिसन टू योर प्रॉब्लम डेफिनेटली। यदि आप उसको अप्रोच करेंगे सिंसियरिटी के साथ तो वो आपको लिसन करेगी सिंसियरिटी के साथ। इसमें दो फ्यूचर एक्शन हैं, और इस कॉन्सेप्ट को मैं काफ़ी बार समझा चुका हूँ। जब दो फ्यूचर एक्शन की हम बात करते हैं तो एक फ्यूचर एक्शन जो होता है उसको हम प्रेजेंट सिंपल टेंस में लिखते हैं, और दूसरा जो फ्यूचर एक्शन होता है उसको हम विल, कैन या मे के साथ लिख सकते हैं। तो ऐसा एक्शन जो इफ के साथ, वैन के साथ, एज लॉन्ग एज के साथ, अनलेस या अनटिल के साथ, या टिल के साथ, इन कनेक्टिंग वर्ड से जो स्टार्ट होता है उसको हम लिखते हैं प्रेजेंट सिंपल टेंस में। तो ये वाला जो पार्ट है, ये वाला पार्ट, इसको हम लिखेंगे प्रेजेंट सिंपल टेंस में। तो यहां पर इफ यू विल अप्रोच के स्थान पर होगा इफ यू अप्रोच, ठीक है, ये इसमें सही आंसर आपका होगा। दैट विच इज अवे फ्रॉम सेंटर, ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है। यहां पर इसको, यहां पर जो ऑप्शंस दिए हैं उसके अकॉर्डिंग इसका आंसर ई सेंट्रिक होगा। हालांकि ई सेंट्रिक का मतलब एबनॉर्मल भी होता है, अनकन्वेंशनल भी होता है, ठीक है, जो अजीब सा है, जो अनकन्वेंशनल है, उसको हम ई सेंट्रिक बोलते हैं। एक्लेक्टिक का मतलब ब्रॉड माइंडेड होता है। एलिप्सिस का मतलब किसी चीज़ को सप्रेस कर देना, या शॉर्ट फॉर्म को भी हम एलिप्सिस बोलते हैं। इक्वीन का मतलब होता है हॉर्स से रिलेटेड,
ईसेंट्रिक यहां पर आपका सही आंसर होगा। वन हु वैल्यू प्रैक्टिकलिटी, मतलब जो प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स में ज्यादा बिलीव करता है किसी चीज के, जो जो एकदम व्यवहारिक होता है, उसको हम क्या बोलेंगे? उसको हम बोलेंगे प्रैग्मेटिक। प्रैग्मेटिक और प्रैक्टिकल दोनों एक ही चीज होती है। रियलिस्टिक मतलब जो थ्योरी में ज्यादा बिलीव करता है। एपोथियोसिस मतलब जो किसी भी चीज का एक एक मॉडल है या मॉडल ऑफ एक्सीलेंस है। प्लायबल जिसको आप मोड़ सकते हैं, जो फ्लेक्सिबल है। तो प्रैग्मेटिक यहां पर इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। फाइंड द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। प्लेंटिफ यहां पर सही है, पोटाटो सही है, पोटेशियम सही है। प्लेंटिफ कौन होता है? प्लेंटिफ जो जो केस दर्ज करता है कोर्ट में। पोटैटोस आलू, पोटेशियम ये एक एलिमेंट का नाम है। पेडेस्ट्रियन जो जो वॉकिंग करता है, जो किसी व्हीकल पर नहीं चलता, जो पैदल पैदल चलता है, उसको हम बोलते हैं पेडेस्ट्रियन। लेकिन पेडेस्ट्रियन में यहाँ पर एक्चुअली ट्रियन हम लिखते हैं, ट्रेन नहीं लिखते। पेडेस्ट्रियन, पेडेस्ट्रियन, लेकिन यहाँ पर ट्रेन लिखा है, तो पेडेस्ट्रियन की स्पेलिंग ये गलत है इसमें। फेबुलस, गॉर्जियस, हेट्रोजीनियस, इनोकुअस गलत है इसमें, क्योंकि इनोकुअस में डबल एन आता है। इनोकुअस का मतलब होता है हार्मलेस, ठीक है? तो इनोकुअस गलत है और इसमें ये सारे सही हैं। ये पैराजम्बल का क्वेश्चन है और पैराजम्बल के क्वेश्चन देखिए सीजीएल में कभी कभी बड़े बड़े पैराग्राफ आ जाते हैं, बहुत सारे टफ क्वेश्चन कभी कभी पूछे जाते हैं पैराजम्बल में, एकदम सिंपल नहीं आते हैं। तो इसको आपको लॉजिक से सॉल्व करना है, आपको लॉजिक अप्लाई करना है। एग्जामिनर यहाँ पर आपका लॉजिक चेक करता है। एग्जामिनर आपका ये चेक नहीं करता कि पूरे पैसेज को आप समझ पा रहे हैं कि नहीं, पूरे वर्ड मीनिंग आपको समझ में आ रहे हैं कि नहीं, केवल लॉजिक आपका चेक किया जाता है इसमें। तो लॉजिक हम यहाँ से पढ़ते हैं। अ सेंसिटिव माइंड इजीली एब्जॉर्ब द वाइब्रेशंस इमेनेटिंग फ्रॉम द थॉट ऑफ द पीपल इट एसोसिएट्स विथ। और यहाँ पर हम क्या बोल रहे हैं? विजिट्स टू होली प्लेसेस आर कंसिडर्ड बिकॉज द गुड थॉट्स ऑफ द होली पीपल गैदर्ड देयर एंड द इंस्यूरिंग वाइब्रेशन। तो कई तरीके से इसको कर सकते हैं। अब यदि आप देखें तो पी के अंदर और एस के अंदर, पी के अंदर हम एक फैक्ट बता रहे हैं कि सेंसिटिव माइंड जो होता है वो इजीली एब्जॉर्ब कर लेता है वाइब्रेशंस को जो उसके आसपास के लोगों से निकल रहे हैं या आसपास की सिचुएशन से निकल रहे हैं। पी में हम ये बोल रहे हैं। और एस में हम क्या बोल रहे हैं? एस में भी हम सेम चीज़ बोल रहे हैं। इसमें भी हम वाइब्रेशंस की बात कर रहे हैं कि यदि हम होली प्लेसेस पर जाएं तो हमारा जो विचार और हमारा जो सोचने का तरीका है वो अच्छा हो जाता है, क्योंकि वहाँ पर जो अच्छे लोग होते हैं उनसे जो अच्छे वाइब्रेशंस निकलते हैं उसका हमारे ऊपर इफेक्ट पड़ता है। तो पी और एस आपस में कनेक्टेड हैं, पहले पी और फिर एस, पी और एस आपस में कनेक्टेड हैं। अब दो सेंटेंसेस को कंबाइन करने के बाद आपको नीचे ऑप्शंस में देखना चाहिए। ये इसका सही तरीका होता है जल्दी से जल्दी करने का। पी एस देखिए केवल एक ही ऑप्शन में इसमें दिया है, और किसी ऑप्शन में पी एस नहीं दिया। पी एस केवल इसी ऑप्शन में दिया है, इसका मतलब इसका आंसर आर क्यू पी एस होगा, मतलब उसको आपको देखने की जरूरत नहीं है। अब आर क्यू देखिए। द वायलेंट कैन बी मेड काम बाई एग्जिटिंग थॉट ऑफ लव एंड कंपेशन। वी ऑफन से दैट ए पर्सन इज नोन बाय द कंपनी ही कीप्स। द वायलेंट का मतलब होता है इसमें एग्रेसिव पीपल। द वायलेंट का मतलब होता है इसमें एग्रेसिव पीपल, ठीक है? द वायल क्योंकि द लगा हुआ है इसमें, इसका मतलब है एग्रेसिव पीपल। तो एग्रेसिव पीपल के बारे में हम इसमें बोल रहे हैं, और इसके बारे में उसके बाद फिर इसको हम एक्सटेंड कर रहे हैं यहाँ से। तो इसमें हमने नाउन से एक पैराग्राफ को स्टार्ट किया। नॉर्मली पैराग्राफ नाउन से स्टार्ट होता है, तो इसमें भी नाउन ही है ये। द वायलेंट का मतलब है द वायलेंट पीपुल, ठीक है? और पी और एस आपस में कंबाइन हो रहे हैं, तो इसलिए इन सारी चीज़ों को मिलाएंगे यदि आप, तो आपका कॉम्बिनेशन आर क्यू पी एस इसमें बन जाएगा। अब ये देखिए इसमें, इसको भी आप लॉजिक से कर सकते हैं, इसको भी आप लॉजिक से कर सकते हैं। अब देखिए इसमें मैं एक कॉमन रेफरेंस देखेंगे यहाँ पर। यहाँ पर देखिए, द अप्रोच टू आइडियलिज्म बाय वेस्टर्न फिलोसफर हैज़ बीन डिफरेंट टू दैट ऑफ ईस्टर्न थिंकर इन मच ऑफ वेस्टर्न थॉट। इसमें भी हम वेस्टर्न फिलोसफर की बात कर रहे हैं, इसमें भी हम वेस्टर्न थॉट की बात कर रहे हैं, यानी क्यू और आर आपस में मिलके एक मैंडेटरी पेयर बना रहे हैं, ठीक है? तो पहले हम क्यू बोल सकते हैं, उसके बाद आर बोल सकते हैं, इसके बाद इसमें लिखा है इट इज देन, मतलब इसमें एक प्रोनाउन आया है, और प्रोनाउन ये जो आया है वेस्टर्न थॉट के लिए।
यानी इसमें आपका जो कॉम्बिनेशन बनेगा वो बनेगा क्यू आर, पहले आप क्यू आर जोड़ेंगे क्योंकि इसमें एक कॉमन रेफरेंस पॉइंट है वेस्ट फिलोसफी और वेस्टर्न थॉट। उसके बाद इट इज, मतलब प्रोनाउन, नाउन को आप प्रोनाउन से रिप्लेस करेंगे, इट इज देन, ठीक है, ऐसा जाएगा। और उसके बाद बचा हुआ ये पी वाला सेंटेंस आ जाएगा। इस तरीके से पैराजम्बल को करना होता है, आपको लॉजिक और कॉमन रेफरेंस पॉइंट्स देखने होते हैं। ये जरूरी नहीं है कि आप सारा सारा पैसेज पढ़ें और सारे मीनिंग्स आपको पता हो, केवल लॉजिक आपको अप्लाई करना होता है। तो इसमें आंसर होगा आपका क्यू आर एस पी, डी आपका सही आंसर होगा, ठीक है। कर्नाटका ग्रोज कॉफी, ये एक्टिव पैसिव वॉइस है तो इसका हो जाएगा कर्नाटका सब्जेक्ट है, ग्रो वर्ब है, कॉफी ऑब्जेक्ट है, कॉफी से ये सेंटेंस शुरू होगा। और चूंकि ये प्रेजेंट सिंपल टेंस है इसलिए इसमें हम बोलेंगे कॉफी इज ग्रोन, इज एम आर आएगा इसमें, तो कॉफी ये तो इसमें नहीं होगा, कॉफी इसमें इज नहीं है, इज मिसिंग है, इसमें बींग आ गया है, बींग आते हैं, बींग हम लगाते हैं कंटिन्यूस टेंस में, तो कॉफी इज ग्रोन इन कर्नाटका, इसमें सी आपका सही आंसर होगा, ठीक है। गोपाल्स मदर रिमाइंडेड हिम टू टेक हिज वॉलेट, गोपाल की मदर ने उसको रिमाइंड किया, उसको याद दिलाया कि वो अपना वॉलेट ले जाए। तो हम किसी व्यक्ति का कोई चीज़ याद कब दिलाते हैं, जब वह भूल जाता है, ठीक है। तो जिस भी सेंटेंस में फॉरगेट वर्ड आएगा वो आपका सही आंसर होगा, फॉरगेट केवल इसी में आ रहा है बी में, डू नॉट फॉरगेट टू टेक योर वॉलेट गोपाल सेड हिज मदर। तो यदि लॉजिक आप लगाएं तो बी इसका सही आंसर होगा, क्योंकि फॉरगेट वर्ड केवल बी में ही है, बाकी में फॉरगेट वर्ड नहीं है, ठीक है। ये है आपका क्लोज टेस्ट, इसको पढ़ते हैं। ऑर्गेनाइजेशंस आर इंस्टीट्यूशंस इन विच मेंबर्स कंपीट फॉर स्टेटस एंड, कंपनी या ऑर्गेनाइजेशंस ऐसी जगह होती हैं जहां पर मेंबर्स कंपीट करते हैं किस चीज के लिए, स्टेटस के लिए या स्टेटस के लिए, और स्टेटस से रिलेटेड वर्ड क्या है, ग्रोथ है, मनी है, पावर है, सक्सेस है। स्टेटस जो वर्ड है वो हमेशा जुड़ता है पावर के साथ, तो यहां पर हो जाएगा आपका स्टेटस एंड पावर, ठीक है। सेकेंड में दे फॉर द रिसोर्सेज, इसमें भी एक्चुअली क्या आएगा देखते हैं, यहां पर दे फॉर द रिसोर्सेज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, मतलब ऑर्गेनाइजेशन के जो रिसोर्सेज होते हैं उसके लिए वो क्या करते हैं, उसके लिए वो कंपीट करते हैं, एक दूसरे से प्रतिद्वंदता करते हैं। तो इसमें हो जाएगा आपका एक्सपेंड नहीं आएगा, रिलाय नहीं आएगा, रिलाय के बाद तो ऑन आता है, रन नहीं आएगा। दे कंपीट, दे कंपीट फॉर द रिसोर्सेज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, फॉर एग्जाम्पल एक्सपेंड आप कैसे करेंगे किसी भी चीज़ को, यदि कंपनी को आपको फैलाना है तो उसके लिए आपको फाइनेंस की ज़रूरत होगी, फॉर एग्जाम्पल फाइनेंस टू एक्सपेंड देयर ओन डिपार्टमेंट, ठीक है। वो चाहते हैं, जैसे सपोज अलग अलग डिपार्टमेंट्स के अलग अलग मैनेजर हैं, तो वो चाहते हैं कि उनके डिपार्टमेंट को इतना इतना फंड मिले, तो यहाँ पर होगा फाइनेंस टू एक्सपेंड देयर ओन डिपार्टमेंट फॉर फॉर पावर टू एक्टिविटीज के साथ क्या आएगा, टू कंट्रोल द एक्टिविटीज ऑफ अदर्स, टू कंट्रोल द एक्टिविटीज ऑफ अदर्स आएगा, क्योंकि एक्टिविटीज को वो जो मैनेजर्स होते हैं वो दूसरों की एक्टिविटीज को कंट्रोल करना चाहते हैं, तो यहां पर आएगा कंट्रोल। कर्व का मतलब होता है किसी चीज को किसी चीज को डिस्करेज करना या कम करना, ठीक है, और परसू का मतलब होता है पीछा करना, तो कंट्रोल वर्ड यहां पर आपका सही रहेगा। तो इस तरीके से ये 25 क्वेश्चन मैंने इसमें एक्सप्लेन किए हैं, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मैं ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल पर अपलोड करूँगा ताकि एसएससी के सभी एग्ज़ाम्स के स्टूडेंट्स को फ़ायदा हो। और मेरे ब्लॉग्स और मेरे आर्टिकल्स आप ज़रूर पढ़ें, इस examinee.in वेबसाइट पर ब्लॉग सेक्शन में जाके इनसे आपको बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो इस वीडियो क्लास में इतना ही, अब मैं आपसे मिलूँगा नेक्स्ट वीडियो क्लास में, थैंक यू।